दोस्तों, इंसानों की इंसानों के साथ लड़ाइयां सदियों से चलती आ रही है। ये लड़ाई कभी अस्तित्व के लिए लड़ी गई, कभी जमीन के लिए, तो कभी पैसों के लिए। मगर क्या कभी आपने ऐसी लड़ाई देखी है जो इंसानों ने एक पंछियों की प्रजातियों के साथ लड़ी हो? यह घटना है 1932 की, जब ऑस्ट्रेलिया में ईमू नामक पंछियों की प्रजातियों का पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, इतना कि वे जंगलों को छोड़कर इंसानों की बस्तियों में आकर उधम मचाने लगे। इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट काम था इनके द्वारा फसलों को तबाह करना। ईमू के बढ़ते उत्पाद से लोग इतने परेशान होने लगे कि मजबूरन उन्हें अपनी जमीनों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। मगर क्या हो अगर वही भी यही मंजर मिले? ऑस्ट्रेलिया में अब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था कि वहां ईमू नहीं हो। ऐसे में वहां की गवर्नमेंट ने वो कदम उठाया जिसकी जरूरत सबसे आखिर में पड़ती है। जी हां, ईमू से लड़ते लड़ते आम जनता का यह हाल देख ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने खुद मिलिट्री को इस काम पर लगाया। चूंकि इसमें मिलिट्री इन्वॉल्व थी तो इसे लोगों द्वारा ईमू वॉर का नाम दिया गया और यही है हमारे आज का चर्चा का विषय। तो चलिए जानते हैं इस ईमू वॉर की कहानी इन डिटेल में। ये साल था 1932 का। दुनिया अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम के एक घातक युद्ध से उभर रही थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये वो समय था जब ऑस्ट्रेलिया में किसी कारणवश अचानक सूखा पड़ गया। सूखे के कारण वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गेहूं के खेतों में हजारों की संख्या में बड़े बड़े ईमूज खाने की तलाश में आ गए। वैसे ईमूज के बारे में कहा जाए तो ये एक बिगर बर्ड होता है जिसकी हाइट लगभग 5.7 फीट तक होनी चाहिए। ये हाइट किसी भी नॉर्मल हाइट वाले इंसान से मेल खाती है। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा ये ईमू अटैक कोई साधारण अटैक नहीं था। खैर, ईमू ने अपनी मजबूत टांगों से खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया और फसल काफी हद तक बर्बाद हो गई। उस समय सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स को भी कुछ जमीनें अलॉट की गई थी। ये ईमूज का हमला उनके खेतों में भी होने लगा। अब हालात ऐसे बन गए थे कि पहले ही एक लड़ाई से थक चुके सैनिकों को अब किसान बनकर इन ईमू के साथ लड़ना पड़ रहा था। कुछ ने तो इन ईमू से लड़ते लड़ते अपनी जाने तक गवाई। ऐसे में ये जरूरी हो गया कि खुद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो। इस परेशानी से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक हैरान कर देने वाला हल निकाला, एक ऐसा कदम जो बाद में लोगों के लिए हास्य और हैरानी का कारण बना। दरअसल इस काम को करने के लिए सरकार ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को काम पर लगाया और वो भी लेविस गन के साथ। अब ये लेविस गन क्या थी? लेविस गन अपने टाइम का एक इनोवेटिव हथियार था जो एक रैपिड फायर के साथ दुश्मनों का सफाया करने के लिए बनाया गया। मगर क्या इसे बनाने वाले इंसान ने कभी ये सोचा होगा कि इस गन का इस्तेमाल पंछियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया जाएगा? ईमूज और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स की पहली भिड़ंत नवंबर 1932 में हुई। सोल्जर्स को यह कॉन्फिडेंस था कि वे यूं चुटकी बजाते ही इस काम को पूरा कर लेंगे, मगर ऑन पेपर और प्रैक्टिकलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ईमूज ने जल्द ही अपने आप को ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स का एक जबरदस्त दुश्मन साबित किया। इन परिंदों ने खुद को छोटे छोटे झुंडों में डिवाइड किया और चारों ओर बिखर गए, जिससे सोल्जर्स को उन्हें निशाना बनाने में मुश्किलें आने लगी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी ये सोल्जर्स ईमूज पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए। लेविस मशीन गन्स से लैस फौजी एक आसान जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ईमूज की रफ्तार और फुर्ती ने उन्हें पकड़ना मुश्किल बना दिया। ये पंछी 50 किलोमीटर पर आवर्स तक की स्पीड से दौड़ सकते थे और उनकी अजीब हरकतें मशीन गन्स को लगभग बेकार बना रही थी। इन पंख वाले दुश्मनों के पास एक छुपी हुई अजीब सी फुर्ती भी थी
जो खेतों से तेजी से गुजर जाते और गोलियों से बच जाते। उनकी लंबी टांगे और तेज नजरों ने उन्हें लाविस गन के धीरे चलने वाले निशानों के लिए मुश्किल टारगेट बना दिया। देखा जाए तो इन इमूज ने सोल्जर्स के हर ऑपरेशंस को नाकाम कर दिया। ये ताज्जुब की बात थी कि लगभग 2500 गोलियां चलाने के बावजूद भी कुछ खास इमूज नहीं मारे गए। इनकी संख्या अभी भी लाखों में थी। आखिरकार थक हार कर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इमूज को मारने का यह ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये मिलिट्री ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया में इतना फेमस हुआ कि कुछ रिपोर्टर्स ने इसे नाम दिया द ग्रेट ईमू वॉर। वैसे इस वॉर के चलते भले ही ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स नाकाम हो गए थे, मगर इसने लोगों को एक मनोरंजन का नया प्लेटफॉर्म दिया। कार्टून्स में फौजियों का मजाक उड़ाया गया और इमूज को हमेशा के लिए एक जिद्दी और चतुर पंछी के रूप में याद किया जाने लगा। मजाक के बावजूद यह संघर्ष वाइल्ड लाइफ कंट्रोल की मुश्किलों का एक सख्त अनुभव याद दिलाता था। इसने दिखा दिया कि प्रकृति से लड़ना हम इंसानों के लिए इतना भी आसान नहीं है। इनके बीच जो एक नाजुक संतुलन है उसे और भी गहराई से समझना एक अहम सबक होना चाहिए। वैसे कुछ महीनों बाद जब अकाल कम होने लगा, ये इमूज की समस्या भी कम होने लगी। मगर आज भी जब ऑस्ट्रेलिया में इमूज का जिक्र होता है तब याद आता है ये द ग्रेट ईमू वॉर। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।